तो देख यहाँ पे सब लोगों जैसे बताया कि ये मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसे हमें डिवाइड करना, फिर किसको ऐड करें किसको नहीं ऐड करें, मुश्किल है करने का, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इन दोनों को जो देख रहे हो सीरीज में, इन दोनों को सॉल्व करेंगे राइट, फिर ऐसे यहाँ पे लगाएंगे, फिर इन दोनों को लगाएंगे, तो तुमको स्टक हो जाएगा कि बीच में हटाएं किसको। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम जब आए, देख लो कि अगर कहीं ऐसा तो नहीं सिमेट्रिक है, जितना ऊपर उतना नीचे, तो डायगोनली अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ देखो ऐसे, तो करंट तो एग्जैक्टली जाएगा ऐसे, जो जिस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वही रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, सीधा इधर से लेंगे और ओवरलैपिंग कर लेते हैं, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग मेथड। बट उसके लिए जहां मन किया वैसा नहीं, ए और बी मर्ज नहीं हो जाना चाहिए, ना तो कुछ बचेगा नहीं, ठीक है, ए और बी जहां है वही रहना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, बहुत केयरफुली वन बाय वन हम लोग हटाते जाएंगे वन बाय वन, एंड उस पर ऐड करते चले जाएंगे। तो देख ये जो पॉइंट है, कौन कौन सा पॉइंट किधर किधर आएगा, ये पॉइंट इधर आएगा, पहले ये यहाँ पे आते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये रेजिस्टेंस इसके पास आ गया, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस को, और यहाँ ऐड कर देते हैं विथ रेड कलर, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे आता है तो ये कॉमन हो गया, इसको निकाल देते हैं यहाँ से, और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो एक काम करें ना, इसको ऐड करने के बजाय ना पैरेलल में, सारा का सारा तो पैरेलल आएगा, एंड आर एन आर पैरेलल आर बाई टू होता है, तो इसको इतना गंदा करने के बजाय आर बाई टू कर दो। ये भी आर बाई टू हो गया। अब ये वाला किधर आएगा जी, ये वाला यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस तरफ आएगा, तो इसको हटाएंगे तो कितना आएगा आर बाई टू, ये वाला फिर इसके पास आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ओवरलैपिंग होगा, ये इधर आ जाएगा, इसको हटा देंगे तो आर बाई टू। अब फिर से ये इधर से आएगा, तो ये इधर से आएगा, तो ये वाला पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर, तो ये हो गया आर बाई टू इधर, और ये वाला हो गया, इस पे हो गया आर बाई टू। अब ये प्रॉब्लम हुआ हमारा इस तरह का। अब ये डॉटेड लाइन को यहां से हटा दें, ठीक है ना। नाउ द प्रॉब्लम हियर वी हैव इज दिस वन। देख लग रहा था कि कौन सा हटेगा कौन सा नहीं हटेगा, कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला है, कोई भी टीस्टोन है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो अब ये दोनों R by 2 मिला के क्या होगा, सीरीज में R होगा, ये दोनों मिलाने के बाद ये दोनों भी क्या होगा, R हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर वी हैव, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो कितना होगा, R by 2 इज R राइट, R by 2 इज R, दिस R by 2 इज ऑल्सो R। नाउ दोनों को अगर R एंड R को मर्ज करेंगे पैरेलल में तो कितना आएगा, R by 2 आएगा। So therefore here first of all here we have A से R by 2, ये दोनों मिला के कितना है जी, R by 2, और ये कितना है R by 2 करेक्ट ना, A and B, ठीक है। थोड़ा फिगर गंदा लग रहा है बट सिंपली, अरे गलती होगी क्या जी, ठीक है। यहाँ से इधर से ये कितना है जी R by 2, इधर मान ले इधर ऐसे ले लेते हैं R by 2, और ये R by 2, कुछ भी नहीं है ना खाली, तो A एंड B हो गया, कितना हो गया कुल मिला के ये इन द सीरीज 3R by 2 इज द इन द सीरीज आंसर। किसी को डाउट है, देखो एक फोल्डिंग किए प्रॉब्लम कितना सिंप्लीफाई हो गया। लास्ट में देखो, लास्ट में ये R by 2 है ना, ये तो सीरीज है ना ऐसे, तो दोनों है ना, तो R हो जाएगा, ये भी R by 2 सीरीज है, कितना हो जाएगा R हो जाएगा। दोनों R को मर्ज करोगे तो क्या मिलेगा, R by 2 मिलेगा, पैरेलल है ना, 1/R एंड 1/R पैरेलल है, तो 1/R इज 1/R डैश, 2/R इज इक्वल टू 1/R डैश, R डैश इज R by 2, तो ये भी R by 2, ये भी R by 2, ये भी R by 2, सब सीरीज में आ गया, कितना हो जाएगा फिर 3R by 2। क्यों निकालेंगे, सीरीज में कैसे निकाल सकते, जो नोड ही नहीं है तो ये तो देखो बात क्या ना, वीट स्टोन ब्रिज ना तभी लगाते हैं जब उसके लगाए बगैर प्रॉब्लम अगर बन गया, अगर मान लो तो फिर क्यों जरूरत है, वो तब होता है जब मेरा प्रॉब्लम नहीं बन रहा है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं वो देखो बता देता हूँ मैं, ठीक है, तो सब लोग अटेंशन देना। सबसे पहले प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व करना चाहते हैं सीरीज पैरेलल से करते हैं, नहीं होता है प्रॉब्लम सॉल्व, देन वी गो फॉर इक्विपोटेंशियल नोड, कि कहीं ऐसा नहीं 6-7-8 नोड लगा हुआ है और बहुत सारे रेजिस्टेंस जो काम के ही नहीं है
है ना, तो हम लोग फिर पॉइंट ए वन टू बी ऐसे करते हैं, सर्किट को रीफ्रेम करते हैं, प्रॉब्लम वैसे भी नहीं बनता है, तो सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वीटी स्टोन आ गया बीच में, जो हम ऐसे रेजिस्टेंस को ले रहे हैं और डिफरेंट नोड्स हमें दिख रहा है, बिकॉज हमें मालूम है कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का नोड बीच में रेजिस्टेंस अगर है तो सेम नहीं होगा, तो ढूंढते हैं कि ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम नहीं बन रहा है बिकॉज कहीं वीटी स्टोन तो नहीं आ गया बीच में, तो उसको चेक करने का कंडीशन मैंने बता दिया कि एक से तीन, एक से तीन, एक कॉमन। अब इसके बाद भी नहीं बनते हैं मान लो, अब जैसे मैं क्यों इसमें डायरेक्टली वीटी स्टोन लगाऊं, नहीं बनेगा तब तो क्वेश्चन मार्क आएगी ना कि क्यों नहीं बन रहा है, वीटी स्टोन तो नहीं है, फिर लास्ट में तो वो खुद ब खुद दिमाग काम करेगा, ये जो है ना ये रेजिस्टेंस अगर हट जाता ना तो बड़ा सुविधा होता, तो क्रॉस चेक मार फिर वहां पे अगल बगल कि कहीं वीटी स्टोन तो नहीं है, है ना, तुम खुद ब खुद फंस जाओगे प्रॉब्लम में। इसके बाद लाऊं लास्ट में कि वीटी स्टोन भी नहीं है और तुमको ये नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल नोड भी तुम लगा दिए हो तो भी नहीं बन रहा है, तुमने सिंप्लीफाई करो सिंपल तरीके से फोल्डिंग मेथड भी लगा दी है तो भी नहीं, फोल्डिंग लगा नहीं पा रहे हैं, तो लास्ट में एक ऐसा भी एडवांस के स्पेशली एडवांस के ऐसे सेक्शन है जहां पे हमें इक्विपोटेंशियल नोड अपने कॉमन सेंस से लगाना पड़ता है, कॉमन सेंस यूज़ करके, उसका कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, अभी जो हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं कोई रूल नहीं है उसका, उसका एक ही रूल है कि करेंट फॉलोज द लिस्ट रजिस्टेंस पाथ, करेंट फॉलोज द लिस्ट रजिस्टेंस पाथ, उसका कोई रूल नहीं है उसका, ठीक है, तो उसको देखते हैं उसको। अब वो प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत डायनेमिक प्रॉब्लम है, कुछ कुछ ऐसे तीन चार प्रॉब्लम है जिनका बहुत डायनेमिक प्रॉब्लम है और उनको हमें अपने कॉमन सेंस से सॉल्व करना पड़ता है, नोड्स भी नहीं है, नोड्स भी हैं, इक्विपोटेंशियल भी हैं और कैसे हैं समझेंगे, वो काफ़ी मेहनत वाली सेक्शन है वो।